हेलो स्टूडेंट्स इन ऑल द वर्ल्ड्स, उम्मीद है कि आप सब खेल रहे होंगे। जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। और इस वीकली टेस्ट में जितने मैंने सारे क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ा रखे थे, ठीक है, जिसमें परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट परसेंट, एज प्रॉब्लम्स, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, उसके साथ मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब उसके बाद लास्ट में जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था आपको रेशनल प्रोपोर्शन का, ठीक है। उसमें मैंने दो लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे और वही लेक्चर्स उसमें से ही मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे वीकली टेस्ट में, ठीक है। तो आज हम कुछ सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, स्टार्टिंग में आपके जो क्वेश्चंस थे ये परसेंटेज के क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज 2.5% ऑफ 400, ठीक है, 2.5% ऑफ 400, तो 400 का 2.5% क्या होगा, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो था वो था 10, ठीक है, इसका 10 आंसर करेक्ट था, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था आपका वो था 40% ऑफ 4.5, 40% ऑफ 4.5, 4.5 का 40% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 40 को 100 से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसे आप 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.8, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो इजी क्वेश्चंस मैंने दिए थे। अब इसमें सिंपल ये होता है कि डेसिमल नंबर्स मैंने दिए थे ताकि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन है वो सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन मैंने दिया था, अब ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था इंक्रीज एंड डिक्रीज, अब किसी भी परसेंटेज को आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन है एट द एंड ऑफ ईयर इंक्रीज, अब वो इंक्रीज हुई कितना, 10%, ठीक है, इंक्रीज हुई कितना, 10% अगर इंक्रीज हो तो अब बताओ न्यू पॉपुलेशन क्या होगा। अब सिंपल क्या करेंगे, इस 1,20,000 का 10% फाइंड करें, ठीक है। अब जो आंसर आएगा, मतलब 12,000 आंसर आएगा, जाहिर सी बात है इसका 10% 12,000 होगा, तो 12,000 आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, मिलेगा 1,32,000, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये परसेंटेज के। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो था, इफ मरियम गिव्स 1200 टू हिज यंगर सिस्टर, द टोटल पॉकेट मनी ऑफ मरियम इज, ठीक है, अब ये है कि 1200 अपनी सिस्टर को दे रही है, इसकी जो टोटल पॉकेट मनी होती है 4800, ठीक है। अब बताओ कि वो कितना परसेंट अपनी पॉकेट मनी का अपनी सिस्टर को दे रही है, मतलब 1200 जो है ये 4800 का कितना परसेंट होगा, सिंपल ये आंसर होगा, ठीक है। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि 1200 जो है 4800 का कितना परसेंट होता है, फोर्थ पार्ट होता है, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट होगा तो आप सिंपल 25% को करेक्ट कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर 25%, जाहिर सी बात है 1248 यानी 4800 का कितना परसेंट होता है, 25%, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 25%। अगर वो काम लीव करेगा तो अब बताओ रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 25% वो कर चुका है तो बाकी कितना परसेंट होगा, 75%, तो 75% जो है ये आपका रिमेनिंग वर्क होगा और ये वर्क वो ने जो हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 75% होगा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, ठीक है, सिक्स क्वेश्चन आपका लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इफ अ शॉपकीपर बॉट बैग आर एस 1000 एंड सोल्ड एट 30% लॉस ड्यू टू लो मार्जिन, फाइंड द प्राइस इन विच ही सोल्ड द बैग। अब सिंपल मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, क्या लिखेंगे सीपी, या लिखेंगे एसपी, सीपी को 100 सपोज करेंगे, अब एसपी आप फाइंड करेंगे उसकी लॉस या प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि 30% लॉस हुआ है तो 100 में से आप 30 को क्या करेंगे, लॉस करेंगे, यानी सेपरेट करेंगे तो 70 होगा। अब आगे एक क्वेश्चन बढ़े, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने बैग बॉट किए मतलब उसकी सीपी है 1000, अब उसकी एसपी में बताएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 70 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 700 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं तो ये क्या होगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा और डिवाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो आप डिवाइड करेंगे यहाँ तो ये 10 हो जाएगा और 10 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 700। तो जाहिर सी बात है उसकी यानी एसपी क्या है, 700। तो जाहिर सी बात है अगर सीपी ज्यादा होगी एसपी से तो लॉस ही होगा, तो लॉस होगा कितना, 30%। इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेवंथ क्वेश्चन है, इफ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, सोल्ड किए गए हैं 1500 में 20% डिस्काउंट, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिस्काउंट रेट का, जब आपको एसपी या ओरिजिनल प्राइस आपको गिवन हो, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, रिकॉर्ड करें लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट का टॉपिक, एसपी इक्वल्स टू ओपी विद ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट। तो ये फॉर्मूला आप इस तरीके से इसका आंसर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1875, इसका करेक्ट आंसर।
आपको ये बताना ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 5000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30000। तो जाहिर सी बात है आप ओरिजिनल प्राइस ही लगाएंगे, उसकी चेंज प्राइस नहीं लगाएंगे। तो 5000 इज 30000 में कितना परसेंट होगा, उसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 60.6%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ फेयर ऑफ अ बस इंक्रीज्ड 820%, द ओरिजिनल फेयर वाज 1200, फाइंड द न्यू फेयर। अब ये आपको सेम ही इंक्रीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको ओरिजिनल फेयर कितना गिवन है, ओरिजिनल फेयर गिवन है आपको 1200। अब ये इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है आपका 20%। तो 20% इंक्रीज हुआ है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप करेंगे 1200 का 20% फाइंड करें। ठीक है, अब ये इंक्रीज हुआ है तो आप वो जो आपको प्राइस मिलेगी वो अगेन आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर जो करेक्ट मिलेगा वो मिलेगा 1440। ठीक है, यानी 1440 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 20% इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका 10th क्वेश्चन। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी क्वेश्चन है, डिक्रीज 1/10%, डिक्रीज 1/10%। ये आपका क्वेश्चन है डिक्रीज 1/10%। तो 1 को अगर आप 10% डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है देख सकते हैं, तो 1 का 10% क्या होगा, 1 का 10% यानी 1 का 10% में डायरेक्ट लिखूं, आप सॉल्व अब तो कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो 1 का 10% क्या होगा, 0.1। तो 1 से आप ये 0.1 सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये कहना है डिक्रीज, तो या 1 से 0.1 आप जब सबट्रैक्ट करेंगे तो आप 1 से क्या मिलेगा, 0.9। तो यही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, इसका बी ऑप्शन जो था वो करेक्ट। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए। अब 11th क्वेश्चन, यहां से आपके एज प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें एज प्रॉब्लम्स में आपको जस्ट डेटा बना के देता हूं, बाकी इसका सॉल्यूशन आप खुद निकालें। ये बिल्कुल इजी, अली इज 2 इयर्स ओल्डर देन हिज ब्रदर हारिस, आफ्टर 4 इयर्स द सम ऑफ देयर एजेस इज 30, फाइंड द एज ऑफ अली। ठीक है, देखिए हारिस यानी अली जो है हारिस से 2 साल बड़ा है। अब देखिए अगर आपने हारिस की एज को एक्स माना तो अली की एज क्या हो जाएगी, अली की एज होगी एक्स प्लस 2 यानी 2 साल बड़ा है, एक्स प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ये कह रहा है कि आफ्टर 2 इयर्स, मतलब आफ्टर 2 इयर्स नहीं आफ्टर 4 इयर्स, ठीक है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद की बात होगी तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में 4 ईयर ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, अब ये प्लस, अब ये क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस 4 इसकी एज में, अली की एज में हारिस की एज में 4 ऐड कर देंगे और अली की एज में 4 ऐड कर देंगे। आगे कह रहा है कि दोनों के एजेस का सम, दोनों के एजेस को सम करें और कितना बन रहा है आपका, बन रहा है 30। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ तो x x क्या हो जाएगा, ये होगा 2x। ठीक है, प्लस 2 6 2 4 6 6 प्लस ये होगा 10 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 को साइड शिफ्ट करें तो माइनस 10, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 20 और डिवाइड बाय 2 तो x की वैल्यू होगी 10। ठीक है, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एज ऑफ अली, अली की एज बताओ आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद अली की एज क्या हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपल देख सकते हैं 5 साल बाद की बात हो रही है, तो ये x फिर आप अली की एज फाइंड करें। ठीक है, x क्या है 10 है, तो अली की एज है x प्लस 2, तो ये होगा 10 प्लस 2 मतलब 12। तो 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 12 प्लस 5 करेंगे तो 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ अ पर्सन हैज 3 सन्स, ठीक है 3 सन्स है उसके एट द एज ऑफ 60, मतलब उस पर्सन की एज क्या है 60 विद द एज डिफरेंस 2 इयर्स, इफ द सम ऑफ देयर एजेस बिकम्स द एज ऑफ पर्सन, मतलब उनके बेटों के एजेस का सम उस पर्सन की एज के बराबर हो जाता है। तो अब बताओ फाइंड द एज ऑफ पर्सन व्हेन हिज सेकंड सन वाज बॉर्न, मतलब उसका सेकंड बेटा जब पैदा हुआ तो कब उस पर्सन की एज क्या। अब देखें अगर एक बेटे की अगर बात करूं तो उसकी एज x है, तो वो दूसरे की एज क्या हो जाएगी, मतलब 2-2 साल का डिफरेंस है, x प्लस 2 ये होगा x प्लस 4। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट बेटा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब ये कह रहा है इनकी एजेस का सम, यानी x प्लस ये x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इनकी एजेस का सम बन रहा है 60, उस पर्सन की एज के कंप्लीट बराबर बन रहा है। अब आपको ये बताना है कि अब जब उसका सेकंड बेटा, यानी उसका सेकंड बेटा जब पैदा हुआ था, जब बोर्न हुआ था, तब बताओ उस मेन की उस पर्सन की एज क्या। अब सिंपल पहले x की वैल्यू फाइंड करें, x x x ये होगा 3x प्लस 2 4 ये होगा 6 इज इक्वल टू 60। यहां से आप 3x इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 60 - 6 तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 54। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो 54 डिवाइड बाय क्या करेंगे 3 करेंगे, तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.8 यानी 80। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 80 निकलेगी। ठीक है, अब देखिए अब आपको सेकंड, यानी सेकंड जो उसका सम है उसकी एज निकालें,
तो अगर x की जगह जब आप 18 पुट करेंगे तो 18 प्लस 2 ये होगा 20, मतलब उसके सेकंड बेटे की एज क्या है 20। तो जब उसका ये बेटा जब पैदा होगा तो जाहिर सी बात है 20 आप सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब पैदा होगा तो 20 इयर्स आप सबट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी एज से 60 से आप 20 सबट्रैक्ट करें तो आपको देख सकते हैं उसका उसकी जो एज होगी जब उसका सेकंड बेटा पैदा होगा तो उसकी एज क्या थी 40 इयर्स। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, मैंने थोड़ा सा ट्रिकी दिए थे। अब जो डेटा बना के देता हूं बाकी आप सॉल्यूशन खुद करें। द एज ऑफ पर्सन इज सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज वाइफ एंड हिज सेकंड लास्ट सन। ठीक है, अब एक पर्सन है जिसकी एज जो है वो इसकी इसकी यानी वाइफ और इसकी सेकंड लास्ट बेटे की एज का सम करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द प्रेजेंट रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का प्रेजेंट रेशियो 5:2 है, आफ्टर 2 इयर्स इट विल बिकम सेम रेशियो ऑफ देयर। यानी अगर मैं उसकी वाइफ की एज और उसकी सन की एज देखूं तो वाइफ की एज आप पहले रेशियो को देख सकते हैं, पहला रेशियो क्या है 5:2, मतलब वाइफ की एज जो होगी वो भी 5x और सन की क्या होगी 2x। अब ये कह रहा है कि आफ्टर 2 इयर्स मतलब 2 साल बाद की बात हो रही है, तो 5x+2 दोनों में ऐड कर देंगे, यही कांसेप्ट होता है 2x+2 बराबर आप रेशियो आगे रेशियो को क्या करेंगे सेम रेशियो की। तो इस तरीके से जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक, अब आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 होगा 5x+2, 7 को उसके साथ करें तो 2x+2 होगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 15x+6, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। तो 7 को 4 के साथ 2 के साथ 14x+14 हो जाएगा, यहाँ से x की चाहिए 14 को इस साइड शिफ्ट करें तो ये होगा 14x6 को साइड शिफ्ट करें तो 14-6, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 हो, अब ये 8 अब क्या हमें यहाँ पुट करेंगे क्योंकि हमें उसके सन की एज चाहिए तो 8 यानी 60 होगा। ठीक है, अब ये 8 यहाँ पुट करें क्योंकि उसकी वाइफ की भी एज हमें चाहिए तो 8 यहाँ पुट करेंगे तो ये होगा 40। तो ये जब आप 8 करेंगे, ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं जब ऐड करेंगे तो ये क्योंकि उसने खुद बोला है कि उसकी एज जो है उसकी वाइफ और उसकी बेटे की एज के सम के बराबर है, तो जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से उस पर्सन की आपको एज मिल जाएगी, उसकी एज क्या होगी 56 इयर्स। ठीक है, अब कह रहा है कि उस पर्सन की एज बताओ जब उसका बेटा पैदा हुआ था, तो अब उसके बेटे की एज क्या है 16 इयर्स, तो आप 16 इससे सेपरेट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं उसकी एज क्या हो जाएगी 40 इयर्स। तो जब उसका बेटा पैदा हुआ था उसकी एज क्या थी 40 इयर्स। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। Find the age of Ali such that Ali is 2 years older than Ahmad. ठीक है, Ahmad is 2 years older than Sahib. If some of their ages become 60, बिल्कुल इसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 22 years। ठीक है, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें। If Maryam is 2 years older than her sister Aisha, after 10 years Aisha will become 26. Find the age of Maryam when Aisha was 20 years old. तो ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 पहले आप डेटा बनाएंगे देन आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसकी एज जो होगी वो होगी 22 इयर्स। तो अगेन इसका आंसर जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a माइनस b होल स्क्वायर एंड a प्लस b होल स्क्वायर इफ a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -1। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इसका रूट में तो ये होगा a माइनस b का होल स्क्वायर और ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो ये रेडिकल्स के कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा a माइनस b और ये होगा a प्लस। तो ये आप फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको a की और b की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू क्या है -4, तो -4 के माइनस b की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 16, क्योंकि -4 है ना, क्योंकि -4 का स्क्वायर इसका मतलब होता है -4 × -4, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा 4 क्या होगा 16 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, -1 का स्क्वायर मतलब -(-1) तो ये होगा 1, तो ये होगा -1, तो 16 - 1 आंसर क्या आएगा 15। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 15 होगा। 0.2 का थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो 0.4 × 0.4 b स्क्वायर में से इसे सम डिवाइड बाय a 0.2 है, तो यहां ये 1 टाइम ये होगा 0.2 टाइम, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 0.8। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 0.8, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। Find the fourth proportion between 1.2, 0.4, and 3. The fourth proportion का formula क्या होता है? B उसे divide by B क्या है? 0.4 × 3 divide by 1.2. तो जब आप इसको इसके साथ multiply करेंगे तो ये exactly 1.2 होगा। तो 1.2 divide होके तो answer exactly क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका fourth proportion क्या होगा? 1 होगा। इस तरीके से आप इसका solution निकाल सकते हैं। बिल्कुल easy चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 discuss करते हैं। Question 19. Find the mean proportion between age of Ali and Ahmad. If Ali is twice older than Ahmad, Ahmad is 8 years. अब देखो अली जो है ट्वाइस ओल्डर है अहमद से और अहमद की एज 8 है, तो अली की एज क्या होगी इससे ट्वाइस है तो क्या होगा 16। ठीक है, ट्वाइस है तो क्या होगा 16। अब इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन में क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको जो आंसर होगा वो करेक्ट मिल जाएगा और आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1 एंड 4 माइनस रूट ऑफ 3, यानी मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है 1। अब ये 1 का स्क्वायर तो सॉरी ये होगा 1, ठीक है। और दूसरा नंबर आपका क्या है 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो जब आप ये इस मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी और ये ए वैल्यू या बी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखें जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 1 और 1 का रूट 1 ही होता है तो ये 1 ही होगा, ये होगा 4 माइनस रूट क्या होगा 4 माइनस रूट 3 होगा, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 माइनस रूट 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 21 क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15 का क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आप लिखेंगे तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली आपका आंसर 45 आ जाएगा। तो 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखे हैं, देन जो उसका मीडियन होता है वही मोड होता है, मोड नहीं मीन होता है। तो एग्जैक्टली ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी शॉर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा, ये डेटा आपको गिवन है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए आपको दो नंबर्स बीच में होंगे 4 एंड 5, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द मीन ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। अब देखें 7 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो आप देखेंगे इसका जो मीन होगा वो क्या होगा 28 होगा, ठीक है, एग्जैक्टली 28 होगा। 28 किस नंबर का मल्टीपल होता है, 14 का एंड 2 का, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 एंड 2, 14 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा 28 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 6 इज, ठीक है। अब देखिए अब ये कह रहा है कि फर्स्ट 7 मल्टीपल 6 का जो मीन है, ठीक है, वो है 2x + 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको x मतलब उसका जो मीन होगा उसको आप किसके इक्वल रखेंगे, 2x + 2 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि 24 होगा और 24 को यानी ऐसे ये कह रहा है कि 2x + 2 को आप बराबर रखेंगे 24 के, क्योंकि इसका मीन क्या होगा 24 होगा, 2 को साइड शिफ्ट करें तो ये होगा 2x = 24 - 2, तो यहां से 2x = क्या होगा 22 और x की वैल्यू क्या होगी 22 / 2 = 11। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इफ 8 वर्कर्स कैन पेंट अ हाउस इन 12 डेज देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक 12 वर्कर्स टू पेंट द सेम हाउस। सेम क्वेश्चन, वर्कर्स एंड टाइम के बीच में रिलेशन इनवर्स रिलेशन, आप इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर होगा 8 डेज। 27 क्वेश्चन, ठीक है, इन अ फैक्ट्री 35 वर्कर्स कैन मेक 50 प्रोडक्ट्स, ठीक है। 35 वर्कर्स हैं, अब मैं आपको जस्ट इसका रिलेशन बताता हूं, ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करेंगे। 35 वर्कर्स, अब यहां आप लिखेंगे वर्कर्स, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट, यहां लिखेंगे डेज। अब देखें वर्कर्स कितने, वर्कर्स 35, प्रोडक्ट 50 और डेज कितने आपके 20, सॉरी डेज हैं आपके 5। अब आगे कह रहा है कि 20 वर्कर्स वर्क कितने कर रहे हैं 7 डेज के लिए, सॉरी डेज 7 होंगे तो प्रोडक्ट आपको बताना है। अब देखो वर्कर्स एंड प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन होता है ये आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ये डायरेक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट और डेज यानी प्रोडक्ट एंड टाइम का रिलेशन ये भी डायरेक्ट होता है। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे वैल्यूज पुट करके जो मैंने आपको बताई थी शॉर्ट, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका 40, ठीक है, 40 प्रोडक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ फोर्ट फुट ऑफ 180 केजी इज मेंटेन्ड फॉर 40 डेज, ठीक है, फॉर 300 soldiers, ठीक है, यानी फूड जो है 180 केजी मेंटेन 40 डेज के लिए फॉर 300 soldiers, इफ 20 soldiers were left, अगर 20 soldiers left कर जाएं, the fort how many days will the same food, अब same food की बात हो रही है तो 180 केजी को आप ignore करते हैं, जैसा आप क्या करेंगे, आप करेंगे soldiers and days के बीच में relation, soldier मेरे कितने थे 300 soldiers थे तो food कितने दिन का था 40 days का, अब अगर 20 soldiers left कर गए तो कितने होंगे 280, उनका फूड हमें बताना है, तो soldiers and time का relation, sorry inverse relation होगा, direct नहीं होगा, आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से। अभी देखिए इस फॉर्म में हम कैसे नंबर को लिखते हैं ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपको जैसे देखो 30 को 7 के साथ डिवाइड करें, अब क्या करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो 7 का टेबल 30 में 4 टाइम ये होगा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 7 की टेबल 2 पे तो नहीं जाएगी, अब ये डेसिमल नंबर कन्वर्ट होगा। जब आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, अब देखें ये आपका 4 है, ठीक है, ये तो आप डिवाइड में लिखेंगे, ये आपका 4, ये 4 यहां लिखेंगे, 2 जो ये आपका रिमाइंडर जो होगा ये आप ऊपर लिखेंगे और जो टेबल है वो आप नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप कैसे भी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 72 को 9 के साथ करें तो इसका आप आंसर मुझे बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। यहां अगर मैं आपसे कहूं 43 डिवाइड बाय 6 करूं तो इसका आप इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल इजी होता है आप लिखते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 29, क्वेश्चन नंबर 29, फॉर 10 फैमिली मेंबर्स फूड ऑफ 80 केजी इज इनफ फॉर 20 डेज, ठीक है, 20 डेज के लिए इनफ है, ठीक है, 20 डेज के लिए। अब फैमिली मेंबर्स यहां मैं लिख रहा हूं फैमिली, ठीक
ठीक है, फैमिली मेंबर्स, और ये आपका केजी में फूड है और ये आपके डेज है। अब ये फैमिली मेंबर्स हैं 10, ठीक है, और फूड आपका 80 केजी है, डेज है आपके 20, इन हाउ मेनी डेज, और डेज कितने होंगे जब 60 केजी फूड 8 फैमिली मेंबर्स के लिए होगा। आप देखिए, अगर आप फैमिली मेंबर्स का रिलेशन डेज के साथ बनाएंगे तो मतलब वर्क टाइम का रिलेशन हो रहा है तो ये आपका इनवर्स रिलेशन होगा। उसके साथ अगर देखें आप प्रोडक्ट और टाइम का रिलेशन तो ये डायरेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप इसका अब ये आप रिलेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा 29 क्वेश्चन का इसका आंसर आपका होगा होगा 86 एंड 8 डेज। ठीक है, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको शॉर्टकट बताए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस नंबर को आपको डेसिमल में नहीं जाना, जस्ट आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन, इफ 60 केजी ऑफ वेट इज इनफ फॉर 5 फैमिली मेंबर्स इन 20 डेज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखें, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपने लेक्चर्स में सही देखे होंगे आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 60 केजी ऑफ केजी आपके 60, फैमिली मेंबर्स है आपके 5 एंड डेज है आपके 20। आगे कह रहा है कि अगर 10 सॉरी अगर ये कह रहा है कि वेट जो है 10 केजी स्पॉइल हो रही है, ठीक है, ड्यू टू रेन, अगर 10 केजी स्पॉइल हो गए तो बाकी कितने होंगे, 60 में से 10 आप क्या करेंगे खत्म कर देंगे तो बाकी 50 हो जाएंगे। 50 जो है बाकी आपकी फैमिली मेंबर्स, ठीक, कितने दिन तक चलेगी सेम फैमिली मेंबर्स के लिए, कितने दिन तक चलेगी सेम फैमिली मेंबर्स, अगर फैमिली मेंबर्स सेम तो उसकी कहानी नहीं बनेगी। ठीक है, वैसे भी आप सॉल्व करेंगे तो रिलेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा, उसकी कहानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए अगर ये देखें प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच में रिलेशन तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, उसे आप डायरेक्ट लिखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगर आपने लेक्चर सही देखे होंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल ईजी ही लगेगी। अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 62/3 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, खास बात ये होती है कि जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजी निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं होती टेस्ट में। ठीक है, जस्ट एक रफ पेज अपने पास रखें, पेन रखें, उसका सॉल्यूशन करते हैं।